हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ भारती। तो आप सोच रहे होंगे कि आज मटर से कैसे शुरुआत हो रही है। तो एक्चुअली मटर जो है सीजन भी चल रहा है, तो अभी तो ऑफ सीजन में मटर मिल जाते हैं आसानी से, लेकिन कई कई जगह पे नहीं भी मिलते हैं, मिलते हैं तो बहुत महंगे होते हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले ला के रखे होते और आज हमने मटर की सब्जी भी बनानी है, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसी की वीडियो शेयर करते हैं। तो इस तरह से कभी कभी मटर खराब होते हैं और हम फेंक देते हैं, या कई बार मटर के दाने इधर उधर गिर जाते हैं, उठाते नहीं है। तो स्पेशली मैं तो उठाती नहीं हूँ कई बार। तो ऐसे ही एक दिन मैं मटर जो है निकाल रही थी अपनी बैल्कनी में बैठी हुई, तो वहां पे 3-4 दाने उसके इधर उधर गिर गए। बाद में जब मैंने झाड़ू लगाया तो मैंने उनको कूड़े में फेंकने की बजाय, मेरे पास खाली बॉटल्स पड़ी हुई थी प्लास्टिक की, उनमें मिट्टी भरी हुई थी, तो मैंने एक एक दाना जो है उठा के उनमें लगा दिया। कुछ ही दिन बाद जो है मैंने देखा कि उसमें से स्प्राउट हो रहे हैं मटर, और हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर उनको मैंने उठा के जो है निकाल के वहाँ से मैंने किसी बड़े कंटेनर में उनको जो है रीग्रो कर दिया। तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, 1 महीने से ऊपर हो चुका है। तो अभी मैं उनको आपकी ग्रोथ दिखाती हूँ। तो ये मटर दिखाने का मकसद यही है, अगर आपके घर में खुली जगह है, आपके पास कोई बड़ा कंटेनर है, तो इस तरह से मटर की बारी खराब निकलते हैं। जो गले हुए मटर होते हैं बिल्कुल हल्के हल्के से, लेकिन मटर पूरा होता है, तो आप वो भी मत फेंके। फेंकना ही है तो उनको किसी मिट्टी में फेंके और देखिए फिर वहाँ से क्या मिलता है। और मुझे क्या मिला है वो मैं आपको भी दिखाती हूँ आगे वीडियो में। तो आपके पास भी इस तरह से कोई ख़राब मटर है या मटर इधर उधर गिर जाते हैं, तो उठा के उसको मिट्टी में दबा दीजिए। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जब 4 दाने दबाए थे मिट्टी में, अभी उनका मुझे क्या रिजल्ट मिला है। तो देखिए ये बड़ी सी एक बाल्टी है जिसमें मिट्टी भरी मैंने, और मैंने वो मटर जो है इसमें लगा दिए। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास मटर कितने लग गए हैं, और ये कुछ ही दिनों का रिजल्ट है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, मतलब ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं। तो देखिए ये मटर लगे हुए हैं, सबसे पहले ये वाला निकला था, तो अभी इसको जो है मेरे ख्याल से 1 वीक तो हो ही गया है। तो ये थोड़ा सा फंसा हुआ है यहाँ से, इसकी ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी है। देखिए हम ऐसे किलो किलो हाफ हाफ के जी तो नहीं निकाल सकते, ऐसे जिनके पास खुली ज़मीन होती है वो निकाल सकते हैं, इसमें कोई जो है सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की बाल्टी है ना, तो आप 100-200 ग्राम मटर तो आराम से निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आप फ्रेश मटर खा सकते हैं, अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो इस तरह से उनको दे सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही हेल्दी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा अभी भरने वाला है, तो ढेरों मटर अभी जो है मेरे पास होने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके मटर जो है बढ़ रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे से बच्चे हैं, अगर तो ये ज़्यादा नहीं निकलते हैं तो फिर मैं उनको ही ये खिला दूँगी। तो ये देखिए, तो बहुत सारे ऊपर जो है अभी धीरे, नीचे तो कम थे लेकिन ऊपर जो निकल रही हैं इनकी जो फ्लारिंग हो रही है बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे कि 3-3 फ्लावर्स जो है एक ही उस पर निकल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, तो यहाँ पर 3 हैं। देखिए 3 फ्लावर, 2 फूल, 2 मटर बने हुए हैं और 1 फ्लावर और है। इस तरह से जो मटर की खेती है वो देखिए, 4 दाने लगाए मैंने और ढेरों मटर जो है पा लिए हैं। अभी मैंने इसको कुछ ज़्यादा वो किया नहीं है, मैंने बस जस्ट एक शौक के तौर पे लगाया था, और अब देखिए रिजल्ट। और ये देखने वालों को भी काफ़ी मतलब कि पसंद आते हैं, जो मेरे यहाँ पर आसपास हमारे रहते हैं, तो वो जब देखते हैं तो उनको भी काफ़ी खुशी होती है कि मटर लगाए हुए हैं। वैसे यहाँ पर मैंने बाहर देखा है काफ़ी लोगों ने मटर की खेती की हुई है और काफ़ी अच्छे अच्छे लग रहे थे। तो मैंने इसे टूटी हुई बाल्टी में लगा दिए हैं और अभी रिजल्ट देख सकते हैं कितना अच्छा है। और ये पीछे इसके पूरे मटर वगैरह लग रहे दिखे छोटे छोटे से, और ये कुछ ही दिनों में और फलने वाले हैं। अगर तो ज़्यादा हुए तो फिर मैं जब इसकी हार्वेस्टिंग करूँगी एक साथ, तो भी मैं वीडियो जरूर शेयर करूँगी। ये छोटे छोटे से दाने हैं और ये पूरे फ्रेश वाले और पूरी अच्छी क्वालिटी के मटर बनने वाले हैं। तो बस ये एक इंस्पिरेशन होती है और तो कुछ नहीं है,
कि देख के हो सकता है अगर एक आधा बंदा भी लगा लेता है तो लगता है कि हाँ सही जा रहे हैं। तो और ये जो मटर की एक ना बेल होती है, पहले तो छोटा सा प्लांट होता है लेकिन धीरे धीरे ये जो बेल है ना फैलती है। तो ये चार प्लांट थे, चार प्लांट से अभी इसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकली हैं और ये इधर उधर फैल रही हैं, ये देखिए इस तरह से। और मैंने ये झाड़ू के तीले से इनको सहारा दिया हुआ है और इस पे ये आसानी से चढ़े जा रहे हैं और आगे से आगे इसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस जो है निकल रही हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक, ये इसका एक मेन प्लांट है, तो यहाँ से देखिए कितनी स्प्राउट्स जो है नीचे से ही बंचेस में निकल रही हैं। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दो बंदों के लिए मटर इनफ होंगे मेरे हिसाब से। जैसे मैगी वगैरह में डालने हो या गोभी की सब्जी या इस तरह की कोई सब्जी बनानी हो तो उसमें हम आसानी से इस तरह से तोड़ के जो है डाल सकते हैं। तो ये ऊपर 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 इस तरह से अभी धीरे धीरे चढ़ रही है। चलिए वीडियो को करते हैं एंड, क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही है और थोड़ी सी वीडियो बनाने में भी दिक्कत हो रही है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।